गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारा चैप्टर फोर्टीन व्हाट वी डू स्टार्ट करेंगे देखो स्टेपिंग स्टोन क्या क्या दिया है चैप्टर में क्या क्या है ऑकुपेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑकुपेशन एंड देयर इंपोर्टेंस देखो यहाँ पे गे और अब दिया है अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वेरियस ऑक्युपेशंस देन फाइंड दिन क्रॉस वर्ड पॉजल गिव एन बिलू वन हैज मिन डन फॉर यू तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो कि जो जिसको कि हमको जंबल कर जंबल करके एक वर्ड बनाना है जो वार्ड होगा वो एक ऑक्यूपेशन होता है और उसको हमको एक रसवाड़ पोजल में ढूंढना है तो वन नंबर जो दिया गया है वो हमको कर दिया है तो देखो क्या दिया है आर ए एफ एम जी आई एन इसको जम्बल करने से क्या हो गया फार्मिंग फार्मिंग मतलब क्या जो खेती हम करते हैं ये देखो फार्मिंग एफ ए आर एम आई एन जी फार्मिंग टू नंबर क्या आर वाई आई डी ए इसको जम्बल करने से होगा डेयरी यानी कि डी ए आई आर वाई तो ये रहा डेयरी डी ए आई आर वाई थ्री नंबर क्या दिया है टी आर वाई एल यू ओ पी इसको जम्बल करने से होगा पोल्ट्री पी ओ यू एल टी आर वाई पोल्ट्री फोर नंबर देखो एस एन जी आई एच आई एफ इसको जम्बल करने से होगा फिशिंग ये रहा फिशिंग एफ आई एस एच आई एन जी फिशिंग तो देखो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी ऑक्योपेशन क्या होता है वी ऑल नीड मनी टू फुलफिल आवर नीड्स एंड सो टू अर्न मनी We have to work. There are various types of occupations that people choose to earn their living. We see our parents working hard to earn money so that they can provide us with food, clothes, and educations. They do this so that we can grow up to become good citizens of our country. Any work which is done by a person to earn a living is called an occupations. हमको हमारा जो डेली नीड्स होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए मनी चाहिए होता है और मनी ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं काम करते हैं काम करते हैं कि नहीं बिना काम के काम के तो हमको पैसा नहीं मिलेगा और हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशन है कोई फार्मिंग करता है कोई डॉक्टरी पढ़ता है डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई टीचर बनता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है जो कि लोग पैसा कमाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन चूज करते हैं और हमारे पेरेंट्स भी जो हैं पेरेंट्स भी हमको पेरेंट्स भी हमको मॉर्निंग ऑन के हमको हमारा जो डेली नीड्स होता है वो हमको फुलफिल करते हैं कि नहीं जैसे कि हमारा एजुकेशन हो हमारा क्लॉथेस हो फूड्स हो ये सारा हमको देते हैं और हमको ये क्यों देते हैं ताकि हम बड़ा हो एक गुड सिटीजेंट हमारे कंट्री का एक गुड सिटीजन्स बन सके और पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी काम किया जाता है मॉर्निंग करने के लिए जो कुछ भी काम किया जाता है अपना फुल अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो कुछ भी काम किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है ऑक्युपेशन कहा जाता है ठीक है जो कुछ भी हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए मोर्निंग ऑन करने के लिए उसको कहा जाता है ऑक्युपेशन तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्युपेशन क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्युपेशन दे आर इम्पोर्टेंस पीपल चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्युपेशपल वर किच फार्मर्स डॉक्टर्स टीचर्स सोल्जर्स माइनर्स साइंटिस्ट कारपेंटर्स एडवोकेट्स एसेट्रा तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्युपेशंस हैं और लोग जिसको जो कुछ भी पसंद आया वो चूज करते हैं और उसी लाइन में जाके पढ़ाई करके वो बनते हैं जैसे कि क्या क्या ऑकुपेशन से देखो कोई बनता है फार्मर कोई बनता है डॉक्टर टीचर कोई आर्मी में जाता है सोल्जर बनता है माइनर्स साइंटिस्ट बनते हैं कोई कोई लोग कारपेंटर एडवोकेट्स बहुत सारे ऑकुपेशन हैं ठीक है देखो ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया है ऑकुपेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी तो ऑकुपेशन जो है उसको थ्री टाइप्स थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है एक क्या है प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंड है सेकेंडरी और थर्ड क्या है टेरियटेरी ठीक है तो आज हम इतना डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा जो क्या क्या ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग रियोरिंग ऑफ एनिमल्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे जो कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं आपको लिख के दे दूँगी आप फाइव फाइव टाइम प्रैक्टिस करना